हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ द सीक्रेट टीचर्स में। और अभी इस टाइम हो रहा है शाम के 7:20:25 और मौसम थोड़ा सा सर्द हो गया है, इसलिए मैंने जैकेट वगैरह पहन ली है। आपको एक अपडेट देनी थी। अपडेट ये है कि जिस चीज़ की मैं क्लास ले रहा हूँ अभी, यूपी स्पेशल की फॉर वीडियो, उसका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है और बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ामिनेशन है 22 और 23 तारीख को। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग अभी इस समय साइट भी वगैरह अच्छी चल रही है, आप लोग सीधे जा करके वहाँ से UP SSC की साइट से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ सीधे साइट पे। देखिए देखिए दोस्तों, मैं इस समय ले आया हूँ आपको एडमिट कार्ड पे, और ये एक मेरे फ्रेंड का एडमिट कार्ड है जिसको मैंने अभी डाउनलोड किया है। और देखिए, मैंने उनका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ और उनका नेम छुपा दिया है फॉर सिक्योरिटी रीज़न, आप देख सकते हैं। और देखिए, उनका एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द डाउनलोड हो गया है, साइट इस समय बहुत अच्छी चल रही है। मेरा सभी से अनुरोध है कि वो आजकल में जल्दी से डाउनलोड कर लें, क्योंकि साइट बहुत अच्छी चल रही है। और जबकि ये रहते हैं कानपुर के निवासी हैं और इनका सेंटर आगरा डाल दिया गया है। मुझे सुनने में काफ़ी आ रहा है कि बहुत सारे लोगों का सेंटर काफ़ी दूर दूर डाल दिया गया है, उनके अदर डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया गया है, जैसा कि इनका खुद का भी डाला गया है काफ़ी दूर पर। और देखिए, इनका एग्जामिनेशन है 22/12/2018 को, और मेन है यहाँ पे टाइमिंग इसकी। देखिए, टाइमिंग है इसके 10 से 12, ठीक है। लेकिन आपको इसमें लिखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। परीक्षा में एक प्रश्न होगा जो ऊपर दी गई तिथि के अनुसार होगा, मतलब आपको उसी डेट में देना है। अगर आप लोग अगली डेट में पहुँच जाते हो तो आपका पेपर वेपर नहीं होगा। और देखिए, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि जब आप एक पेपर दे लोगे उसके 48 घंटे के बाद आपकी आंसर शीट आ जाएगी। और देखिए, तीसरा पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वहाँ पे जो जाओगे तो वहाँ आपकी बायोमेट्रिक्स से आपकी फ़ोटो और उंगलियों के निशान वगैरह लिए जाएंगे। और OMR, मतलब इसका मतलब पेपर ऑफलाइन होगा, OMR का मतलब है पेपर ऑफलाइन होगा, और 2 घंटा पहले रिपोर्ट करना है आप लोगों को, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ले जा सकते हैं, अपना पैन कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आप ले जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ही आती है कि काला पेन, सिर्फ काला पेन ही इस्तेमाल होगा। आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, आप लोग काला पेन नहीं ले जाते हो, अभी से ख़रीद लीजिए आप लोग काला पेन, जिससे बबल वगैरह भरे जाते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन सा ब्लैक पेन आप लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। उसके बाद यहाँ पे निगेटिव मार्किंग, जो लोग समझ रहे थे निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग देखिए 1/2 की रखी गई है। इसका मतलब आपका अगर 2 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 1 सही क्वेश्चन भी काट लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो नॉर्मल सी जानकारी है कि आप घड़ी, कैलकुलेटर वगैरह मत ले जाइए, ठीक है ना। और हो सके तो बेल्ट को अवॉइड करिए, और शूज़ की जगह आप स्लीपर्स पहन के जा सकते हैं, क्योंकि कई जगह बहुत ज़्यादा वो बेइज्जती करके आपकी निकाल देते हैं कि शूज़ भी निकालिए और सॉक्स भी निकालिए, तभी आपको अंदर जाने को मिलेगा। रफ़ कार आपको देखिए करना है अंतिम पृष्ठ पे, ठीक है ना। आप लोग कहीं भी मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है आप बुक कर दिए जाएँ इसी के चलते। और ये बात ध्यान रखिएगा, वाइटनर का या ब्लेड का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपको कोई इसी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं एग्जामिनर से, वहाँ पे जो आएगा। दोस्तों, ये थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको वीडियो से रिलेटेड दी हैं। और मैं आपको बता रहा था कि आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करके ले जाइएगा। देखिए, इस तरह का ब्लैक पेन है ये, थोड़ा सा एक्चुअल में क्या है, इसकी जो पिन है ना, आप देख सकते हो इसकी पिन थोड़ी सी मोटी होती है। और इस पेन का नाम मैं बता देता हूँ, ये है रोरिटो फैंटा फ्लो करके है इस पेन का नाम, आप इसे ले लीजिए। ये क्या होता है ना, इसका जो बबल्स, जब बबल आप भरते हो तो वो बबल बहुत अच्छे से जल्दी भर देता है, थोड़ा सा मोटा होता है, इसकी जो आगे की पॉइंट है वो थोड़ी मोटी होती है, तो आप इसको ले सकते हो। बाकी आप और भी अगर आपके पास पेन है तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो, पर हाँ ये बात याद रखिएगा, आप ब्लैक पेन लेके जाइएगा, और डिजिटल घड़ी कोई भी हो आप उसको घर पे ही छोड़ के जाइएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और क्लासेस 2-4 बची रह गई हैं जो वीडियो की, जो आज मैं शायद रात में शूट करूँ, ठीक है ना। आप देखते रहिए मेरे चैनल, ठीक है।